हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चंदन कुमार सिंह। दिस इज द एट पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन। लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 103 तक, क्वेश्चन नंबर 104। इफ डी बी द नॉमिनल डायमीटर ऑफ ए बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर जो है स्मॉल डी है, देन द इनिशियल टेंशन इन केजी, टेंशन किस चीज में, केजी में लिखना है आपको, इन ए बोल्ट यूज फॉर मेकिंग ए फ्लूइड टाइट ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट? फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। फॉर ए स्टीम इंजन कवर ज्वाइंट, स्टीम इंजन का जो कवर प्लेट होता है वहाँ पर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट करना है, तो उस वक्त जब हम उसमें बोल्ट जब हम कसेंगे तो उसमें जैसे जैसे जितना ज़्यादा कसेंगे उतना ज़्यादा उसमें टेंशन, इनिशियल टेंशन अंदर रिसाइड करेगा। अब कह रहा है कि बोल्ट का डायमीटर अगर स्मॉल डी है तो उस बोल्ट में कितना इनिशियल टेंशन रिसाइड करेगा, तो ये तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट तो सब यहाँ पर तो दिख रहा है, वो सब अप्रोक्स आसपास ही हैं, तो आपको एक्यूरेट इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब वो वेरी कर सकता है एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है वो वैल्यू आप देख लीजिए। इनिशियल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस, फर्स्ट वन टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। कह रहा है सिंस नन ऑफ द एबव मेंशन स्ट्रेसेस आर एक्यूरेटली डिटरमाइंड, देयरफोर बोल्ट आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस विथ ए लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द इंटरमीडिएट स्ट्रेसेस द इनिशियल टेंशन इन द बोल्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट मे बी फाउंड ऑन बाई द रिलेशन ऑफ, जो भी इनिशियल टेंशन होगा वो 2840 इंटू डी न्यूटन का होगा, इतना आपको याद होगा। अब आपको ये पता है 1 kgf is equal to 10 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 बाई 10 kgf। तो जैसे ही 1 बाई 10 kgf न्यूटन की जगह पर kgf आप रखिएगा तो उस पर्टिकुलर केस में 284 आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, 284 दिख रहा है, जबकि आपके ऑप्शन में कुछ भी नहीं था, जबकि आपके ऑप्शन में ऐसा 284 तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर था मैक्सिमम था 168 ऐसा कुछ था। तो कह रहा है कि यहाँ पर PI जो है वो क्या है, इनिशियल टेंशन, डी क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इन मिलीमीटर। नाउ द एबव रिलेशन इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वाइंट फ्लूइड टाइट लाइक स्टीम इंजन। जो एबव रिलेशन आपको मिला ये फ्लूइड टाइट ज्वाइंट ऑफ द स्टीम इंजन का कवर प्लेट होता है उसमें। व्हेन द ज्वाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ए टाइट एज फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, सिर्फ ज्वाइंट करना है, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट करने को जरूरत अगर नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन हो कि हमको फ्लूइड टाइट ज्वाइंट नहीं करना हो, तो जो टेंशन क्रिएट होता है वो टेंशन एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसका आधा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा बहरी जैसा आप देख रहे हैं कि वो टाइट करने के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से टाइट किए हैं। अगर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाए मतलब एकदम लीकेज नहीं, तो उस केस में जो इनिशियल टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, सिंपली अगर ज्वाइन किए हैं तो उस वक्त इनिशियल टेंशन जो है वो दिख रहा है आपको 1420 डी न्यूटन। एग्जाम में जो आएगा वो SI यूनिट में ही आएगा, इसलिए आपको यही वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप SI यूनिट में ही याद रखिए, KGF में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 168D यहां पे मार दीजिए। नेक्स्ट, इफ द थ्रेड ऑफ ए बोल्ट आर लेफ्ट हैंडेड, बोल्ट का जो थ्रेड है वो लेफ्ट हैंडेड है तो नट का थ्रेड कैसा होगा। तो अगर बोल्ट लेफ्ट हैंडेड है तो नट भी लेफ्ट हैंडेड, बोल्ट अगर राइट हैंडेड है तो नट भी राइट हैंडेड, तभी तो कसाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये लेफ्ट हैंड विद सेम पिच भी वही रहना चाहिए तभी तो जाएगा उसके अंदर, पिच डिफरेंट रहेगा तो भी नहीं जाने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो गौर से देखिएगा, तो ये है राइट हैंडेड, मतलब जो थ्रेड है
वो आपका राइट साइड में इंक्लाइन है, और ये है आपका लेफ्ट हैंडेड थ्रेड जो है वो लेफ्ट साइड में इंक्लाइन है। मतलब जो हैंड का होता है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड वो इंक्लाइन उसी साइड का रहता है। अगर राइट हैंड तो राइट साइड इंक्लाइन, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट साइड इंक्लाइन। अच्छा, अब कहने का मतलब है कि अगर इसको थोड़ा गौर से भी इस फिगर को देखिए तो इसमें पाइएगा कि जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे जैसे इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वैसे वैसे भी अंदर की तरफ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज इसमें हम क्लॉकवाइज किए तो वो बाहर की तरफ आएगा। फिलहाल वो मैटर नहीं करता है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पर। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड किसको कहते हैं, राइट हैंड किसको कहते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। लेफ्ट हैंड अगर रहेगा तो लेफ्ट हैंड नट ही चाहिए, राइट हैंड रहेगा तो राइट हैंड नट ही चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टैपर यूजुअली प्रोवाइडेड इन क्वार्टर। क्वार्टर ज्वाइंट अगर है तो उसमें जो टैपरिंग प्रोवाइड किया जाता है वो टैपरिंग कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो 1/24 ये प्रोवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, 1/24। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर, ए क्वार्टर इज ए फ्लैट वेज शेप पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। फ्लैट वेज शेप का रहता है जिसका एक साइड जो है टैपर रहता है, एक साइड जो है वो टैपर रहता है। कोई कोई बुक लिखता है कि दोनों साइड टैपर रहता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो एक साइड टैपर रहता है। टैपर का जो एंगल है वो 1/24 का होता है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो टैपर, वो टैपर का जो रेशियो होता है वो 1/24 होता है एंड वन साइडेड होता है टैपर, ये दो बात याद रखना है आपको। क्वार्टर इज ए फ्लैट वेज से पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड इट्स विथ इज टैपर्ड आइदर ऑन वन साइड और बोथ साइड। बुक तो ऐसा लिखता है कि एक साइड या दोनों साइड, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है बात, आप कौन से बुक के साथ जाओगे नहीं पता हमको फिलहाल। एंड द टैपर वेरीज फ्रॉम 1/48 टू 1/24 एंड इट मे बी इंक्रीज अप टू 1/8। इट इज ए लॉकिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड, इफ ए लॉकिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड तो 1/8 भी जा सकता है। ए क्वार्टर इज यूजुअली मेड ऑफ माइल्ड स्टील या रॉट आयरन। क्वार्टर जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है या रॉट आयरन का बना होता है। ए क्वार्टर ज्वाइंट इज टेम्प्रोरी फास्टनिंग, मतलब टेम्प्रोरी ज्वाइंट है ये, जब मन तब उसको निकाल भी सकते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट रिजिडली टू को एक्सियल रॉड या बार, दो को एक्सियल रॉड या बार को इसके द्वारा हम लोग ज्वाइन करते हैं। विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस। इट इज यूजअली यूज इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूजअली यूज इन द कनेक्टिंग ए पिस्टन रॉड टू द क्रॉस हेड। पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। ए पिस्टन रॉड एंड इट्स एक्सटेंशन एज ए टेल और पंप रॉड, या फिर स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इधर मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड को हमको जोड़ना है पिस्टन रॉड से, यहाँ कहीं पिस्टन होगा, पिस्टन रॉड से जोड़ना है, यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं क्रॉस हेड के द्वारा। अब क्रॉस हेड में जो यूज़ होता है वो आपका क्वार्टर ज्वाइंट यूज होता है। तो आप इधर बोलिए कि स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड या फिर पिस्टन रॉड का वो एंड जो कि क्रॉस हेड से कनेक्टेड है, ये क्रॉस हेड कहलाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वार्टर ज्वाइंट कहाँ यूज़ होता है, तो क्वार्टर ज्वाइंट यूज़ होता है कनेक्टिंग ए पिस्टन रॉड टू द क्रॉस हेड ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, या फिर ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का स्ट्रैप एंड जो होता है उस एंड में, यानी एक्चुअली दोनों सेम ही है, उस एंड में दोनों को आपस में ज्वाइनिंग ना करना है हमको, तो उस एंड में हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट करते हैं। नौ, एक क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नौ, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक पार्ट है,
इस पार्ट को बोलते हैं स्पिगॉट। दूसरा एक हॉलो पार्ट है, इसको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट सॉकेट का यहाँ का डायमीटर कुछ है और यहाँ का डायमीटर कुछ है, इसको, इस एरिया को, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सॉकेट का कॉलर। इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग सॉकेट का कॉलर, क्योंकि यहाँ से ऊंचा है थोड़ा सा, तो सॉकेट का कॉलर बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस मेंबर यानी स्पीकआउट के अंदर भी एक होल रहता है और आपका सॉकेट में भी होल रहता है। उस होल में आपका कॉटर जाता है जो कि टैपर रहता है। ये दोनों मतलब इसके बीच जो क्लियरेंस यहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो क्लियरेंस 2 से 3 मिलीमीटर रहता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियरेंस जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर का रहता है। तो ये जो ज्वाइंट है एक्चुअल में पिन ज्वाइंट ही है, ये क्वार्टर जो है पिन जैसा बिहेव करता है। नाउ यहाँ पर पी क्या है, जो लोड आप लगा रहे हो वो लोड पी है। डी मीटर, डी विद द डायमीटर ऑफ द रॉड, डी विद द डायमीटर ऑफ द रॉड। नेक्स्ट आप ये भी समझ सकते हो डी वन, डी वन क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। डी टू क्या है, डायमीटर ऑफ द स्पीगॉट या इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। डी टू विद द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट या डायमीटर ऑफ द स्पीगॉट, ये आपका स्पीगॉट है। बी विद द विड्थ ऑफ द क्वार्टर, सी विद द विड्थ ऑफ द सॉकेट कॉलर। डी फोर क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। डी थ्री क्या है, डी थ्री ये जो है यहाँ पर डी थ्री आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पीगट स्पीगट कॉलर। जिस तरह सॉकेट का कॉलर है उसी तरह ये जो है वो स्पीगॉट का कॉलर है, उसका डायमीटर है डी थ्री, उसका थिकनेस है टी वन वगैरह वगैरह है। तो वो छोटा छोटा चीज़ होता है इसमें, हर एक का डायमीटर अलग अलग। तो ये सिंपल है, आपका सिंपल क्वार्टर ज्वाइंट है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वन साइडेड टैपर होता है और टैपर एंगल जो होता है 1/24 होता है। सिग्मा टाउ और सिग्मा सी, सिग्मा टी टाउ और सिग्मा सी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल सियर स्ट्रेस एंड परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस। मान लीजिए कि आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ये क्वार्टर जॉइंट का फिगर है, इस तरह क्वार्टर जॉइंट अप कर दिए, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं वो पी लगा रहे हैं। अगर ब्रेक ये होता है तो ब्रेक कहाँ से होगा, अगर यहाँ से ब्रेक होता है, ये जो रॉड है वो ब्रेक होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई ऑफ फोर डी स्क्वायर एरिया इनटू स्ट्रेस, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो भी मिलेगा वहाँ से आप फोर्स पी निकाल सकते हैं। इसी तरह किस किस एरिया से ये ब्रेक हो सकता है, बहुत तरह से ये ब्रेक हो सकता है, बहुत तरह से टूट सकता है, तो उसके सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, जो कि अगर आगे जरूरत पड़ा तो उसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टैपर यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन 1/24, ये याद रखना है। एप्लीकेशन इन विच द स्ट्रेसेस आर इनकाउंटर्ड इन वन डायरेक्शन ओनली, स्ट्रेस किस कितना डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन, जब वन डायरेक्शन की बात आए तो उसमें बटरेस थ्रेड, ये हम लोग देख चुके हैं। द ड्रॉ ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर में जो क्लियरेंस होता है वो 3 मिलीमीटर का होता है, ये भी अभी देखे हम लोग। नेक्स्ट है बेंच वाइज हैज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड, बेंच वाइज में किस तरह का थ्रेड यूज करते हैं, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जब हम लोग एक्ट में थ्रेड पढ़े तो उसमें दिखे थे बेंच वाइज में हम लोग एक्ट में थ्रेड यूज़ करते हैं। एक्ट में थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। लेड स्क्रू ऑफ लेथ में भी हम लोग एक्ट में थ्रेड को यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में होगा। तो बेंच वाइज में हम लोग एक्ट में थ्रेड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द वाल्व रड इन स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में जो वाल्व रड यूज़ करते हैं इज़ कनेक्टेड
टू एन एक्सेंट्रिक रॉड, एक्सेंट्रिक रॉड से वो कनेक्टेड होता है, वो किस जॉइंट से जुड़ा रहता है, तो वो नकल जॉइंट होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, स्टीम इंजन में जो जो जॉइंट है वो जॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज ए स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन कौन सा है, सिंगल सिलेंडर, डबल एक्टिंग हॉरिजेंटल टाइप रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है। इसमें सिंगल सिलेंडर है, ये स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टीम इंजन, सिंगल सिलेंडर, एक सिलेंडर है यहाँ पर, डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग कहने का मतलब है कि ये इस साइड से भी स्टीम आ रहा है और इस साइड से भी स्टीम आ रहा है, मतलब एक बार पावर स्ट्रोक इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा बार पावर स्ट्रोक आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब डबल पावर स्ट्रोक का यहाँ पर जनरेट होगा। सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है, हॉरिजेंटल टाइप रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो इंजन ऑपरेट होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्टीम, स्टीम के थ्रू ये ऑपरेट होता है। अब ये स्टीम जनरेट कहाँ पे होता है, तो ये स्टीम जो जनरेट होता है वो बॉयलर में कहीं जनरेट होता होगा। अब बॉयलर में जनरेट होता है, उसके बाद होता क्या है कि स्टीम को स्टीम यहाँ से स्टीम आपका अंदर जाता है, थोड़ा इसको आप गौर से समझिएगा, स्टीम यहाँ से अंदर जाता है। यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, यहाँ से स्टीम अंदर आया, ये जो है आपका डी शेप का, ये डी शेप का वाल्व है, इस डी शेप के वाल्व से ये जो इनलेट पोर्ट है और ये जो इनलेट पोर्ट है वो वन बाय वन कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए स्टीम, ये डी स्लाइड वाल्व स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में, ओरिएंटल डायरेक्शन में, और जो स्लाइडिंग स्लाइडिंग होगा वो विद द हेल्प ऑफ ये क्रैंक, ये आपका क्रैंक है, क्रैंक है, क्रैंक के पास रोटरी मोशन होगा, क्रैंक रोटेट करेगा। यहाँ पर क्या है, बेयरिंग है, दो बेयरिंग है जो जिस पे वो क्रैंक माउंटेड है। यहाँ पर कैम है, कैम जो है वो एक्सेंट्रिक कैम है, ठीक है, वो इस क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब ये जो है ये वाल्व, चूंकि ये एक इनलेट वाल्व है, तो इनलेट वाल्व को कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, कब कौन सा वाल्व ओपन रहेगा, कब कौन सा वाल्व क्लोज रहेगा, वो डिसाइड करता है ये एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस कैम एंड फॉलोअर। नाउ ये इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व रॉड, ये जो वाल्व से कनेक्टेड है ये वाल्व रॉड, इसको कहते हैं हम लोग। ये एक्सेंट्रिक रॉड है, ये वाल्व रॉड है, ये जॉइंट नकल जॉइंट से जुड़ा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये नकल जॉइंट रहता है। नाउ दिस इज पिस्टन रॉड, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड ये क्रॉस हेड गाइड से कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिंग रॉड जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, पिस्टन जो है पिस्टन के पास जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये जो क्रॉस हेड गाइड में यहाँ पर जो जॉइंट होता है, क्वार्टर जॉइंट होता है जनरली यहाँ पर, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, क्यों क्यों क्योंकि क्रैंक जो है आपका रोटरी मोशन में रहता है। नाउ सपोज कीजिए कि आपका स्टीम यहाँ से इंटर हुआ, स्टीम इंटर हुआ, स्टीम इंटर होने के बाद ये स्टीम इस स्टीम चेस्ट में जाएगा, स्टीम चेस्ट में जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये जो वाल्व है ये अभी ओपन है, स्टीम यहाँ से अंदर गया, स्टीम यहाँ से अंदर गया, ये एक पावर स्ट्रोक लगाएगा इसके ऊपर, इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो भी स्टीम यहाँ पर था वो स्टीम आपका इधर से, चूंकि ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन जो स्टीम यहाँ प्रेजेंट था वो स्टीम यहाँ से थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट वाल्व है जिसके थ्रू ये स्टीम बाहर निकल जाएगा यहाँ से। नाउ
अब क्या होगा कि जैसे कि आपका एक बार मोशन इससे हुआ, फिर दूसरा दूसरा बार जब रोटेट करेगा ये क्रैंकशाफ्ट, तो क्या होगा कि ये जो डी स्लाइड वाल्व है आपका इस डायरेक्शन में स्लाइड होगा, डी स्लाइड वाल्व इस डायरेक्शन में स्लाइड होगा, और ये वाला वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा और ये वाला वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। दैट मीन जो स्टीम आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर से आएगा और इसको पुश करेगा, इस पिस्टन को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो यहाँ पर जो स्टीम प्रेजेंट था वो स्टीम यहाँ से, चूँकि ये डी स्लाइड वाल्व आपका यहाँ पहुँच गया है, तो स्टीम यहाँ से निकल करके एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो पावर जो जनरेट हो रहा है, एक बार पिस्टन के इस मूवमेंट की वजह से पावर जनरेट हो रहा है, दूसरी बार पिस्टन के इस मूवमेंट की वजह से आपका पावर जनरेट हो रहा है। नाउ मेन यहाँ पर जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाल्व रॉड जो एक्सेंट्रिक रॉड से जुड़ा रहता है वो नकल जॉइंट्स से जुड़ा रहता है, और जो ये पिस्टन रॉड है और ये जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर क्रॉस हेड गाइड से जुड़ा रहता है। ये आपका क्रैंक है जो कि रोटरी मोशन में रहता है, ये आपका फ्लाईव्हील है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नाउ कह रहा है द लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग हॉरिजेंटल टाइप रेसिप्रोकेटिंग इंजन शोन इन द फिगर, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टीम इंजन कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस, नेमली स्टेशनरी पार्ट एंड मूविंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट में कौन कौन सा आता है? इंजन का फ्रेम, इंजन का जो फ्रेम है वो आपका स्टेशनरी पार्ट है, वो मूव नहीं करने वाला इंजन का फ्रेम। नेक्स्ट है सिलेंडर, सिलेंडर भी आपका स्टेशनरी है। नेक्स्ट है स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स यहाँ पे होता है, स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स का काम ये होता है कि कोई भी स्टीम का लीकेज नहीं होना चाहिए यहाँ से, कोई भी स्टीम का लीकेज यहाँ से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस हेड गाइड, क्रॉस हेड का जो गाइड है वो स्टेशनरी रहता है, मूवमेंट जो होता है वो आपका यहाँ पर ये मूवमेंट होता है। फिर है मेन बियरिंग, जो बियरिंग है बियरिंग अपने जगह पे वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट क्या कर रहा है आपका क्रैंक रोटेट कर रहा है। मूविंग पार्ट में कौन कौन सा है? तो मूविंग पार्ट में आपका ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन, पिस्टन रॉड ये मूविंग कंडीशन में है, क्रॉस हेड, क्रॉस हेड जो दैट मीन्स ये गाइड को छोड़ करके जो बाकी पार्ट है यहाँ पर वो जो है आपका मोशन में रहता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड, ये भी मोशन में है, क्रैंक शाफ्ट ये भी मोशन में है, फ्लाईव्हील भी मोशन में है, स्लाइड वाल्व ये जो डी स्लाइड वाल्व है ये भी आपका मोशन में है। नेक्स्ट है वाल्व रॉड, नेक्स्ट है एक्सेंट्रिक रॉड, नेक्स्ट है गवर्नर। नाउ कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारा जो है इस तरह से कनेक्टेड है, आप ये ध्यान रखिएगा। नाउ इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए कनेक्शन किस तरह का होता है, आप थोड़ा सा गौर से समझिए इसको। सबसे पहले पिस्टन रॉड का बात करते हैं, यह है पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड का दो जगह कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये जो है, ये जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको डायरेक्ट अगर कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिए होते डायरेक्ट, दैट मीन्स ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, और चूंकि ये क्लोज स्टीम से ऑपरेट हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा कंटेनर जो भी है, ये सिलेंडर ये पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज है, दैट मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ रोटरी मोशन, हमको बीच में कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो ये ऑपरेट होगा, चूंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पाइप, मतलब जैसा पाइप जैसा सैप जो था वो सिर्फ कनेक्ट है, मतलब वो रोटरी मोशन अगर करेगा तो यहाँ स्पेस चाहिए था ना, स्पेस अगर देंगे तो स्टीम का लीकेज यहाँ से होगा, तो उसके लिए हम लोग रॉड तो सीधा रखते हैं और यहाँ छोटा सा होल रखते हैं इसमें जिसके थ्रू वो रॉड निकलता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। ना हम बात कर रहे हैं पिस्टन रॉड का, तो पिस्टन रॉड का दो एंड, एक एंड तो ये और दूसरा एंड ये, दोनों किस तरह से कनेक्टेड होता है ये ध्यान रखना है हमको, पिस्टन रॉड का दोनों एंड किस तरह से कनेक्टेड होता है वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट जो एंड हम देख रहे हैं, इस एंड में आप जैसा देख सकते हैं कि एक बोल्ट लगा हुआ है जिसको हम नट लगा हुआ है, नट जिसको हम कैसल नट भी बोलते हैं, तो कैसल नट इस तरह से कनेक्टेड होता है पिस्टन रॉड, ये है पिस्टन रॉड, तो पिस्टन रॉड कैसल नट के थ्रू कनेक्टेड है और लॉकिंग पिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक एंड तो आपका लॉकिंग पिन के थ्रू ये कैसल नट के थ्रू आपका जुड़ जुड़ गया, या फिर
आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कैसल नट नहीं देना हो तो इसका जो पिस्टन का जो ये बाहरी पोर्शन है, यहाँ पर रिवेट जैसा जॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। दैट मीन्स इसको हम फिक्स कर रहे हैं पिस्टन के साथ और वो रिवेट जॉइंट के थ्रू। तो ये दो तरीके से हम एक इस एंड को तो फिक्स कर दिए, या इधर कैसल नट लगा दिए या तो रिवेटेड कर दिए। अब बचा इसका दूसरा एंड। दूसरा एंड किस तरह से कनेक्टेड है? दूसरा एंड कनेक्ट करने का बहुत सा तरीका है। एक तो है डायरेक्ट आपका डायरेक्ट बोल्ट लगा दीजिए। तो ये मान लीजिए पिस्टन रॉड, ये पिस्टन रॉड, ये पिस्टन रॉड, ये पिस्टन रॉड, ये एंड जो है फ्लेयर एंड जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्लेयर एंड। यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, ये आगे आगे जाके क्रॉस हेड में डायरेक्ट बोल्ट के थ्रू जुड़ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ होल है, दैट मीन्स यहाँ बोल्ट लग जाएगा, बोल्ट के थ्रू जुड़ जाएगा। एक तो मेथड ये है, डायरेक्ट बोल्ट के थ्रू हम जोड़ देंगे। दूसरा मेथड है आपका स्लॉटेड विथ गिब एंड कॉटर। गिब एंड कॉटर, ये है आपका गिब और ये है आपका कॉटर। इस तरह से आप स्लॉट किया हुआ रहता है इसमें। दैट मीन्स यहाँ से जो रॉड आया पिस्टन रॉड, उसके आगे स्लॉट किया हुआ है और उसमें गिब और कॉटर चला गया और वो कनेक्ट होता है आपका कनेक्टिंग रॉड का जो एंड है उससे। या फिर आपका स्लॉटेड विथ कॉटर, सी ओनली कॉटर है यहाँ पर, कॉटर यहाँ पे लगा दिए, ये पिस्टन रॉड आया और यहाँ पर कॉटर, कॉरी के लिए थोड़ा सा पिन रख दिए यहाँ पर, पिन या बोल्ट जो बोलना है बोलिए, तो उससे कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन रॉड का दोनों एंड, इस एंड में आपका कैसल नट और इस एंड में आपका गिब एंड कॉटर ज्वाइंट से आपका ज्वाइंट हो गया। पिस्टन रॉड किस तरह से कनेक्टेड है ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्रॉस हेड का अगर हम बात करें, अब क्रॉस हेड दैट मीन्स अभी जो देखे हम, अब हमको कनेक्टिंग रॉड का ये एंड तो क्लियर है, ये एंड पिस्टन रॉड का ये एंड क्लियर है। अब कनेक्टिंग रॉड का ये एंड हमको ज्वाइन करना है, कनेक्टिंग रॉड का ये एंड हमको ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लेयर एंड जो था, जो पिस्टन रॉड आया, यहाँ फ्लेयर एंड था, दो बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, डायरेक्ट इधर से आया आपका कनेक्टिंग रॉड, स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड जा करके इसके अंदर यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर गार्जियन पिन आपका अटैच हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड आपके पास ये है, इसमें आपका पिस्टन रॉड यहाँ चला गया, क्वार्टर ज्वाइंट आपका यहाँ होगा और यहाँ पर जो होल बना हुआ है यहाँ पर आपका स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा गार्जियन पिन के थ्रू। तीसरा मेथड ये है कि आपका ऊपर में ये गाइड वाल्व है, आप यहाँ पर थोड़ा सा और नोटिस कीजिएगा कि ये जो भी कनेक्शन है ये गाइड है, नीचे बना हुआ, इसी के ऊपर आगे पीछे स्लाइड करेगा, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहेगा और ये चीज़ जो है वो आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा इस यूनिवर्सल ज्वाइंट के थ्रू। ना कह रहा है स्टीम इंजन इज ए डबल एक्टिंग इंजन एंड हेंस अदर साइड ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो बी क्लोज, सिलेंडर अदर साइड ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो बी क्लोज, ये एंड। दिस डज नॉट अलाउ टू यूज द कनेक्टिंग रॉड डायरेक्टली ड्यू टू ऑब्लिक्विटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, हेंस क्रॉस हेड इज प्रोवाइडेड टू टेक द लैटरल थ्रस्ट। लैटरल थ्रस्ट मतलब लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैटरल थ्रस्ट, दैट मीन्स उसको हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है लीनियर मोशन को। तो क्रॉस हेड इज ए रिट्रैंगुलर ब्लॉक और फॉर्म ए पिन ज्वाइंट बिटवीन द पिस्टन रॉड ऑन द वन साइड एंड द कनेक्टिंग रॉड ऑन द अदर साइड। पिस्टन रॉड इज अटैच टू इट इन वेरियस फॉर्म, दैट मीन्स थ्रेडेड ज्वाइंट बाई टू बोल्ट, जो कि अभी भी देखे हम लोग यहाँ पे थ्रेडेड ज्वाइंट विद टू बोल्ट के थ्रू ये कनेक्ट होता है, और बाय द क्वार्टर एंड शोन इन द फिगर, और क्वार्टर ज्वाइंट से जुड़ जाता है वो। ए स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्रॉस हेड विद द हेल्प ऑफ गार्जियन पिन टू फॉर्म ए पिन ज्वाइंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस हेड इज ऑफ मेनी टाइप एज ऑफ फॉलो। इसमें ये आपका गाइड है, गाइड को छोड़ करके नहीं भागने वाला, ये जो भी ज्वाइंट है जो भी है यहाँ पर वो इस गाइड में ही आपका मूव करेगा, ये नहीं कि यहाँ गाइड लगा हुआ है आप और ये मूव इधर कर रहा है, ऐसा नहीं। ये गाइड जो है वो गाइड के अलोंग ही
आपका ये मूव करेगा, मतलब गाइड है, मतलब इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता है वो। दैट मीन्स यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, इसी में आपको ये मूव करना है। और जब ये मूव करेगा तो उस वक्त आपका ये जो, चूंकि रोटरी मोशन में है, तो ये पूरा रोटेट करेगा यहाँ पर ज्वाइंट होने के बाद। नाउ ये तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस हेड। तो हम यहाँ पर देख चुके कि किस तरह से आपका कनेक्टिंग रॉड जुड़ा रहता है। आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड किस तरह से जुड़ा रहता है। ये आपका पिस्टन रॉड हो गया, 6 नंबर पिस्टन रॉड। 1 नंबर जो है जिसको हम स्ट्रैप बोलते हैं, ये जो स्ट्रैप है 1 नंबर। 2 नंबर लेफ्ट बियरिंग, ये जो है लेफ्ट बियरिंग। 3 नंबर RHS बेयरिंग यहाँ पर। 4 नंबर गिब। 5 नंबर क्वार्टर। 6 नंबर पिस्टन रॉड। 7 नंबर लॉक स्क्रू, यहाँ पर लॉक स्क्रू लॉक करने के लिए। इस तरह से आपका कनेक्टिंग रॉड का वो एंड जो कि पिस्टन रॉड के साथ कनेक्टेड है, क्रॉस हेड क्रॉस गाइड के अंतर्गत यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस गाइड लगा हुआ है, तो इस तरह का वो जॉइंट होता है। नेक्स्ट कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो किसे किसके बीच कनेक्ट है, तो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट द क्रॉस हेड एंड द क्रैंक पिन ऑफ ए स्टीम इंजन। इट इज मेड ऑफ फॉर्ज स्टील। रॉड ऑफ स्टीम इंजन मे बी ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। बोथ द एंड आर इनलार्ज, वन एंड इज कॉल्ड स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड विद द क्रॉस हेड, जो क्रॉस हेड से कनेक्टेड होता है उसको स्मॉल एंड बोलते हैं, स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। एंड जो क्रैंक के साथ कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड का वो एंड जो क्रैंक के साथ कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बिग एंड। तो स्मॉल एंड जो है वो क्रॉस हेड के साथ जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ गार्जियन पिन। ए सोन ए आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड in which the braces are tightened in position by a gib and quarter joint. A lock screw on the side lock the quarter so that it does not slip due to vibration. यहाँ पर lock pin भी हम लोग use करते हैं जिसकी वजह से अगर vibration होगा तो भी ये slip नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके कि यहाँ पर जो ज्वाइंट रहता है इसको हम बोलते हैं नकल ज्वाइंट। यहाँ पर जो ज्वाइंट है वो क्वार्टर ज्वाइंट, गिब एंड क्वार्टर ज्वाइंट भी बोल सकते हैं आप, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि वाल्व रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज कनेक्टेड टू द एक्सेंट्रिक रॉड बाय नकल ज्वाइंट। नेक्स्ट है स्प्लिट नट इन अ लॉकिंग डिवाइस इन विच। स्प्लिट नट, नट जो होता है उसमें क्या होता है, तो स्प्लिट नट में होता क्या है, तो स्प्लिट नट में मान लीजिए आपके पास एक नट है, नट में आपके पास बीच से यहां से आप कुछ स्लॉट काट दिए, यहां से ये पार्ट आपका हट गया, स्लॉट काट दिए। अब यहां पर क्या गया, यहां पर गया आपका बोल्ट। अब क्या करते हैं, यहां पर एक स्क्रू लगा करके इसको हम स्क्रू से के थ्रू इसको हम टाइट कर देते हैं। तो टाइट करते हैं करने से ये अपर पार्ट जो है और लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा सा नजदीक आता है और ये टाइट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट नट। नट पहले से स्प्लिट है बीच से, आधा आधा हाफ कटा हुआ है और यहां पर जाकर के हम लोग एक पिन लगाते हैं या फिर स्क्रू से इसको हम कस देते हैं, तो ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा सट जाता है। ऐसा करने से होगा कि ऐसा करने से ये बोल्ट और नट का जो सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा, और फिर फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा दैट मीन्स वो ज़्यादा टाइट होगा। तो स्प्लिट नट क्या होता है, स्लॉट इज कट पार्टली इन द मिडिल ऑफ द नट
देन द स्लॉट इज रिड्यूस बाय टाइटनिंग स्क्रू, इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्लिट नट। ऊपर वाला जो है ये क्या है, वन स्मॉलर नट इज टाइटन ओवर द मेन नट, ये आपका वो जैम नट है। ये हार्ड फाइबर इन नायलॉन कॉटर इज रिस्ट इन द नट एंड बिकम्स द थ्रेडेड एज द नट, ये हम लोग देखे थे इलास्टिक नट में। और ये थ्रू बोल्ट थ्रू स्लॉट आर मेड ऑन द टॉप ऑफ द कॉट टॉप एंड कॉटर पिन इज पास थ्रू दिस, इसको बोले थे हम लोग लॉकिंग विथ पिन। नाउ नेक्स्ट है टैपर ऑन द कॉटर एंड द स्लॉट इज, टैपर जो होता है कॉटर में जो टैपर होता है वो हम लोग एक साइड में प्रोवाइड करते हैं या दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखता है कि वो एक साइड प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं में लिखता है दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन साइड ओनली, टैपर जो होता है एक साइड ओनली, ये ज़्यादा करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द केस में आपका यही होता है। कभी कभी एक्सेप्शन केस में हम लोग दोनों साइड टैपर यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपका वन साइड में ही आपका टैपर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ कटिंग ऑयल, कटिंग ऑयल का फंक्शन क्या है वाइल थ्रेडिंग, जब कभी भी थ्रेडिंग करते हैं दैट मीन्स आपका यहाँ पर मान लीजिए बोल्ट है, यहाँ पर आपको थ्रेडिंग करना है, थ्रेड काटना है यहाँ पर, जब भी थ्रेडिंग करना होता है तो वहाँ पर हम लोग कटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। तो कटिंग ऑयल क्यों यूज़ करते हैं ये पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ कटिंग ऑयल क्या है। तो सबसे फर्स्ट है प्रोवाइड द कूलिंग एक्शन, इसके वजह से ये चीज़ ठंडा होगा, बहुत गर्म नहीं होगा, जैसे काटेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा दैट मीन्स उसका जो सरफेस है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको कूल करने के लिए हम लोग कटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। तो कटिंग ऑयल का एक काम तो है कि वो कूलिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा काम ये है कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, तीसरा है रिमूव चिप, चिप को आसानी से वो रिमूव कर देता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है सिल्वर बेस्ड अलॉय, या सिल्वर बेस्ड सोल्डर, सिल्वर बेस्ड सोल्डर को हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेजिंग में, सॉफ्ट सोल्डरिंग नहीं मार दीजिएगा, सिल्वर बेस्ड सोल्डर यूज़ करते हैं हम लोग ब्रेजिंग में, सिल्वर अलॉय ब्रेजिंग, इसको हम सिल्वर सोल्डरिंग भी कहते हैं। ए ब्रेजिंग प्रोसेस वेयर इन ए सिल्वर अलॉय इज यूज फॉर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में अगर सिल्वर अलॉय यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सोल्डरिंग या फिर सिल्वर अलॉय ब्रेजिंग भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेजिंग में हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग आने की वजह से सोल्डरिंग नहीं हो गया, ये एक्चुअल ब्रेजिंग प्रोसेस, लेकिन ब्रेजिंग प्रोसेस में अगर हम लोग सिल्वर अलॉय को यूज़ करते हैं एज ए फिलर मटेरियल तो उसको हम लोग बोलते हैं तो सिल्वर अलॉय ब्रेजिंग है। ये ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में हम लोग प्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। फॉर टाइट लीकेज जॉइंट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ब्रेजिंग, फॉर टाइट लीकेज जॉइंट फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सूटेड, टाइट लीकेज जॉइंट करना है हमको तो कौन सा थ्रेड बेस्ट सूटेड होगा। तो ये जितना भी थ्रेड आपको दिख रहा है, मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बटरेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, ये चारों जो है वो मैकेनिकल जो गियर वगैरह बनता है उसमें ये यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है टाइट लीकेज जॉइंट का। तो ये टाइट लीकेज जॉइंट जो होता है वो जनरली पाइप का जो थ्रेडिंग होता है वो इन सबसे डिफरेंट होता है, तो पाइप का जो थ्रेडिंग होता है वो भी डिफरेंट तरह का होता है, तो उसमें हम लोग नेशनल पाइप, अमेरिकन नेशनल पाइप थ्रेड यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाइप का थ्रेड ये इस इन चारों से अलग है, तो यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा नेशनल पाइप थ्रेड। अब नेशनल पाइप थ्रेड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स, पाइप थ्रेड्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर ए प्रेशर टाइट जॉइंट या मैकेनिकल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं भी प्रेशर टाइट जॉइंट चाहिए होता है, दैट मीन्स लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड यूज़ करते हैं। टू टाइप ऑफ पाइप थ्रेड आर अवेलेबल, फर्स्ट वन इज फॉर टैपर्ड पाइप थ्रेड, टैपर्ड पाइप थ्रेड, एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेट पाइप थ्रेड,
या तो टैपर होगा या फिर स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट पाइप थ्रेड। ये थ्रेडिंग होता है वो पाइप के आपका अंदर भी देखने को मिलता है और बाहर भी देखने को मिलता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको ज्वाइन करते हैं दो पाइप को, तो वहाँ पर जो थ्रेड यूज़ होता है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड यूज़ होता है। इसको दो कैटेगरी में यहाँ रखा गया है, एक है टैपर्ड पाइप थ्रेड और दूसरा है स्ट्रेट पाइप थ्रेड। ए वैरायटी ऑफ टैपर्ड एंड स्ट्रेट पाइप फॉर्म आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट। अब फर्दर अगर आएंगे तो प्रेशर टाइट ज्वाइंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, प्रेशर टाइट ज्वाइंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक में तो हम लोग सीलर यूज़ करते हैं, दूसरे में हम लोग सीलर यूज़ नहीं करते हैं, जिसको हम ड्राई सील भी बोलते हैं, विदाउट सीलर, जिसको ड्राई सील भी बोलते हैं। तो मोस्टली गैस और लिक्विड जो कि हाई प्रेशर में है, और वहाँ पर लीक प्रूफ ज्वाइंट अगर क्रिएट करना है दोनों पाइप के बीच, तो वहाँ पर हम सीलर भी यूज़ करते हैं या फिर विदाउट सीलर भी हम यूज़ करते हैं। तो विदाउट सीलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट या मैरीन एप्लीकेशन में हम लोग विदाउट सीलर यूज़ करते हैं, जबकि जनरल पर्पज़ में हम लोग सीलर यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ आपका कि अमेरिकन नेशनल पाइप थ्रेड हम लोग यूज़ करते हैं पाइप में लीक प्रूफ ज्वाइंट क्रिएट करने के लिए। तो आपको इसी पे इतनी इतना ध्यान देना है इसमें कि टाइट लीकेज ज्वाइंट कौन सा थ्रेड यूज़ करेंगे, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड यूज़ करेंगे। फॉर टाइट लीकेज ज्वाइंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सुटेड, तो वो है नेशनल पाइप थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। इन ऑर्डर टू परमिट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूबिंग इट शुड बी ट्यूबिंग। ट्यूबिंग का मतलब क्या समझते हैं? जो प्लास्टिक का जो पाइप दिखता है ना आपको, उसको बोलते हैं ट्यूब। तो ट्यूब जो होता है, ट्यूब का जो पाइप है, वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो कैसा होना चाहिए? तो वो बेंड कंडीशन में होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? बेंड कंडीशन में होना चाहिए। कि मान लीजिए कि थर्मल एक्सपेंशन होना है, तो अगर वो बेंड कंडीशन में है तो एक्सपेंशन होगा तो थोड़ा सा और वो बेंड हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्टेट होता, तो थर्मल एक्सपेंशन होता तो वो ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है उस केस में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर टू परमिट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूबिंग इट शुड बी बेंड शेप में होना चाहिए वो। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ए ट्यूब हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द पाइप। ट्यूब और पाइप में क्या अंतर है? तो ट्यूब जो होता है वो प्लास्टिक का ट्यूब आप देखे हैं, हल्का होता है, और एक स्टील का पाइप आप देखे हैं। तो स्टील का पाइप को हम लोग पाइप बोलते हैं, और प्लास्टिक का जो छोटा सा पतला सा जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है उसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है ट्यूब का ओवर द पाइप? तो लाइटर एंड इजियर टू हैंडल, ग्रेटर शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है ट्यूब में, शॉक आसानी से एब्जॉर्ब करेगा। स्मूथर इनसाइड द वॉल, वो इनसाइड वॉल जो होता है वो ज़्यादा स्मूथर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव। इजली वी कैन बेंड इट टू एनी शेप, ट्यूब को इजली हम लोग किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं। दूसरा, ये चीपर होता है, स्टोरेज इज इजी होता है, वी कैन रोल इट एंड स्टोर इट, आसानी से उसको रोल करके कहीं भी रख दिए, जब जरूरत हो फिर निकालिए। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट स्पेशली यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री, लाइट वेट होता है, लेस फोर्स इज इनफ टू कनेक्ट पार्ट, नो एक्सपेंसिव थ्रेडिंग टूलिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये है आपका पाइप का एडवांटेज ओवर द ट्यूब का एडवांटेज ओवर द पाइप। तो इसका होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द स्ट्रैप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ऑफ स्टीम इंजन। अभी अभी देखे थे स्टीम इंजन का स्ट्रैप एंड जो होता है, स्ट्रैप एंड में हम लोग गिब ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग रिंग इज यूज इनसाइड द पाइप ज्वाइंट। पाइप ज्वाइंट के अंदर बेकिंग रिंग, बैकिंग रिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, व्हेन मेकिंग ए, तो
तो कौन सा ज्वाइंट हमको करना होता है? तो आप देखे होंगे टाउन में जहाँ कहीं भी पाइप से के थ्रू वाटर का जो सप्लाई होता है, मतलब जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें आपको दोनों पाइप को आपको इस तरह से अटैच करना होता है, क्योंकि हमको पानी वाटर को बहुत दूर ले जाना होता है, तो दो पाइप को हमको इस तरह से जोड़ना होता है। तो ये जो ज्वाइंट है ये बट ज्वाइंट है। अब इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? तो वो वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं, हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो बैकिंग रिंग इज़ यूज इनसाइड द पाइप, पाइप के अंदर हम लोग बैकिंग रिंग का यूज़ करते हैं टू मेकिंग ए बट ज्वाइंट बिटवीन द पाइप्स। तो बैकिंग रिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है बैकिंग स्ट्रिप कैन बी यूज और इज मोर सोफिस्टिकेटेड वर्क। ए बैकिंग बार विच इज यूजली मेड ऑफ मेटेरियल सच एज कॉपर विच हैज़ हाई कंडक्टिविटी एंड कैन बी वाटर कूल्ड और सिरामिक कूल्ड। द बैकिंग बार कैन बी शेप टू गिव द नीट वेल्ड रूट प्रोफाइल एंड इज रेडली रिमूव्ड आफ्टर द वेल्डिंग। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको ये पार्ट को और ये पार्ट को वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग करना है तो अगर वेल्डिंग आप यहाँ पे कीजिएगा तो रूट का जो प्रोफाइल होगा, रूट का प्रोफाइल आपका वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जब ये मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो करेगा तो ये आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो रूट का प्रोफाइल अच्छा करने के लिए और ये मटेरियल को वेस्ट करने से बचाने के लिए, मटेरियल वेस्ट ना हो इसके लिए, हम लोग एक बैकिंग बार का यूज़ करते हैं। मतलब उसके नीचे इस बार को आप चिपका दिए और यहाँ वेल्डिंग कर दिए। दैट मीन्स इससे क्या होगा, मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, जो भी मोल्टन मेटल है उसका वेस्टेज नहीं होगा और उसका प्रोफाइल जो रूट का प्रोफाइल होगा वो अच्छा होगा। तो अगर इस तरह का यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बैकिंग स्ट्रिप। मतलब दो पार्ट को ज्वाइंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग और दोनों के बीच मान लीजिए भी ग्रूव बट ज्वाइंट आपको करना है, तो उस वक्त आप या तो सिरामिक टेप यूज़ कीजिएगा या बैकिंग स्ट्रिप यूज़ कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मोल्टन मेटल का वेस्टेज नहीं होगा, मोल्टन मेटल जो भी होगा वो बहेगा नहीं और ये रूट का जो प्रोफाइल होगा वो अच्छा बनेगा। तो हम लोग यहाँ बैकिंग स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। नाउ अब केस आता है कि बैकिंग रिंग। अब मान लीजिए को आपको पाइप को ज्वाइंट करना है, मान लीजिए कि जो आपको आप देखे होंगे टाउन में दो पाइप को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो आप देखे होंगे एक पाइप का जो एंड है वो इस तरह का रहता है और दूसरा पाइप, मतलब कि उस छोटा छोटा पाइप को मिला करके ना हमको बड़ा पाइप बनाना होता है। तो इसका ये एंड जो है वो आपका स्पीगॉट जैसा रहता है और ये वाला एंड जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा रहता है, ओपन रहता है, जो कि इसके अंदर आकर के इसके अंदर जाके बैठ जाए और यहाँ पर कुछ मटेरियल को डाल करके वेल्डिंग हम लोग कर देते हैं राउंड साइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीक आउट ज्वाइंट। लेकिन यदि दोनों दो पाइप को अगर हमको बट ज्वाइंट करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, थोड़ा सा अभी गौर समझिएगा, ये पाइप एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, पाइप का सेंटर लाइन है ये, पाइप का सेंटर लाइन है ये और हमको इन दोनों को ज्वाइंट करना है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है यहाँ पर। तो इस पार्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इस पार्ट को इस डायरेक्शन में लेके आएंगे और अंदर में एक बेकिंग रिंग आप लगाइएगा। जब कभी वेल्डिंग कीजिएगा तो मोल्टन मेटल अंदर फ्लो ना करे, इसके लिए एक बैक सपोर्ट जिसको कहते हैं आप, सपोर्ट या बैकिंग रिंग का यूज़ करते हैं और तब जाकर के यहाँ पर आप वेल्डिंग करते हैं। तो इन दोनों पाइप के बीच जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं वो ज्वाइंट है एक्चुअल में बट ज्वाइंट, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, उस सपोर्ट देने के लिए ताकि मोल्टन मेटल बर्बाद नहीं हो, आप यहाँ पर बैकिंग रिंग का यूज़ करते हैं और वेल्डिंग हो जाने के बाद उस बैकिंग रिंग को आप रिमूव कर लेते हैं। बैकिंग रिंग का जो होता है वो इस तरह का शेप होता है जिसको पाइप के अंदर आप ले आके रख देते हैं। नाउ थोड़ा सा इसमें हम मान लीजिए कि यहां पर आपको एक पाइप है, एक पाइप है और इन दोनों पाइप को यहां पर आपको दूसरा पाइप है, ये पाइप है और ये एक पाइप है, दोनों पे आपके बीच आपको बट ज्वाइंट यहाँ पे करना है। तो बट ज्वाइंट करना है तो अंदर में एक पोजिशनिंग प्लेट आप रख देते हैं, जिससे जिससे क्या होता है कि आपका ये पार्ट को साथ में सटा दीजिए और यहाँ पर चूंकि बैक सपोर्ट आपका ये वाला पार्ट बैक सपोर्ट यहाँ पर दे दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ वेल्डिंग हम कर देंगे। इस पोजिशनिंग प्लेट को हम रोटेट करेंगे और धीरे धीरे पूरा चारों तरफ, उसके चारों तरफ आप वेल्डिंग कर दीजिएगा। एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ बैकिंग रिंग यूज़ कर ले रहे हैं, यहाँ बैकिंग रिंग यूज़ कर ले रहे हैं, एक पाइप ये
और दूसरा पाइप ये, यहाँ पर आप जाकर के वेल्डिंग आप कर सकते हैं चारों तरफ से इसका, इसको बोलते हैं बट वेल्ड। तो बैकिंग रिंग रिंग फॉर ट्यूबुलर पाइल्स में इस तरह का हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो पाइप को अगर हमको बट ज्वाइंट करना है तो अंदर में मटेरियल का फ्लो ना हो, मोल्टन मटेरियल का फ्लो ना हो, उससे बचने के लिए हम वो एक बैकिंग रिंग प्रोवाइड करते हैं और तब जाकर के उसके ऊपर हम वेल्डिंग करते हैं। तो हम लोग देखें क्या, बैकिंग रिंग इज यूज इनसाइड द पाइप ज्वाइंट व्हेन मेकिंग बट वेल्ड। नेक्स्ट इज सीयर प्लेन इन केस ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट में सीयर प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, द सीयर प्लेन इन केस ऑफ बोल्ट, बोल्ट में सीयर प्लेन कहाँ पे होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि सीयर प्लेन इन केस ऑफ बोल्ट, बोल्ट में सीयर प्लेन कहाँ होना चाहिए, सीयर प्लेन कहाँ से सीयर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बोल्ट है, बोल्ट में एक पार्ट आप इस पार्ट को और दूसरा पार्ट इस पार्ट को, ये दो पार्ट है, मतलब मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, ये बोल्ट को आप ले आकर के यहाँ पर एक नट आप लगा दीजिए, तो नाउ इस तरह से आप कस दिए, फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स जब अप्लाई होगा, यानी फोर्स अब यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है, फोर्स यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ से अप्लाई होगा तो इस बोल्ट में टेंशन क्रिएट होगा, हमको यहाँ बात कर रहा है शेयर का, तो शेयर का बात अगर कर रहा है, शेयर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बोल्ट शेयर होगा। अब अगर ये शेयर होता है तो शेयर प्लेन कभी भी इसके एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, शेयर प्लेन जब कभी भी होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट मीन इस डायरेक्शन में आपका शेयर प्लेन देखने को मिलेगा, पहला बात तो ये। दूसरा बात कि कहाँ से शेयर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शेयर अगर थ्रेड के क्रॉस होगा, थ्रेड के क्रॉस शेयर होगा तो कुछ हिस्सा दूसरे पार्ट में आपका अंदर फंस जाएगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर शेयर ये यहाँ से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट है बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द सैंक। थ्रेडेड पोर्शन में होना चाहिए क्या शेयर प्लेन, जो होना चाहिए वो थ्रेडेड पोर्शन में होना चाहिए, तो नहीं, थ्रेडेड पोर्शन में नहीं होना चाहिए। बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, एक्सिस ऑफ बोल्ट के पैरेलल शेयर प्लेन होना चाहिए क्या, तो एक्सिस के पैरेलल आपका नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जब एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो वहाँ पर शेयर स्ट्रेस नहीं, आपका टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा होगा और वो ब्रेक करेगा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट है बी नॉर्मल टू द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द सैंक। थ्रेडेड पोर्शन का नॉर्मल तो आपका यही हो गया, एक्सिस कहीं बात कर रहा है। नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन, तो ये ज़्यादा करेक्ट है, नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन, थ्रेडेड पोर्शन के अक्रॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शेयर प्लेन नहीं, वो शेयर प्लेन आपका यहाँ होना चाहिए कहीं, यहाँ से शेयर प्लेन अगर होगा, यहाँ से कहीं ब्रेक होगा तो आपका वो आसानी से इस पार्ट को, जो दूसरे इस पार्ट को आसानी से आप विदड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन। नेक्स्ट है कैसल नट इज अ लॉकिंग डिवाइस। कैसल नट क्या होता है आप देख चुके हैं पहले भी, तो कैसल नट में क्या होता है कि आपके पास एक नट होता है, नट का ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर आप कुछ स्लॉट कटा रहता है जहाँ से आप पिन को इंसर्ट कर करके उसको क्या करते हैं आप मोड़ देते हैं। तो कह रहा है थ्रू स्लॉट्स आर मेड एट द टॉप एंड ए क्वार्टर पिन इज पास थ्रू दिस एंड ए होल इन द बोल्ट। बोल्ट के ऊपर एक होल होता है एंड द क्वार्टर पिन इज स्प्लिटेड एंड बेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन एट द अदर एंड। ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट है इसमें। वैसे कैसल नट के बारे में आप देख चुके हैं, ये कैसल नट है, कैसल नट में इस नट में ऊपर में कुछ स्लॉट कटा हुआ रहता है जहाँ से आप क्वार्टर पिन को इंसर्ट करते हैं और उसको फिर बेंड कर देते हैं। क्वार्टर पिन नहीं बोल सकते, इसको स्प्लिट पिन बोल सकते हैं, लेकिन उस जो ऑप्शन में ज़्यादा करेक्ट आपका वही ऑप्शन है। ये है आपका कैसल नट का टॉप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, व्हेन ए नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग अ वॉशर बिलो इट। नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग वॉशर बिलो इट, मान लीजिए कि ये आपका एक बोल्ट है,
ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक नट अप्लाई किए, नट अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप वॉशर यूज़ किए, अब वॉशर के वजह से, वॉशर आप यहाँ पर प्लेस किए, वॉशर के वजह से इस बोल्ट में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वॉशर, चूंकि वॉशर जो है वो उसको ये नट जो है अंदर की तरफ दबा रहा है, तो वॉशर इस नट को या बोल्ट को में बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, तो टेंशन क्रिएट करेगा, वॉशर की वजह से टेंशन क्रिएट होगा, ये आपको ध्यान देना है। नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग ए वॉशर बिलो इट, द बोल्ट विल सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, तो बोल्ट में जो लोड लगेगा वो टेंसाइल लोड लगेगा वॉशर की वजह से। नेक्स्ट है गेयर बॉक्स इज यूज, गेयर बॉक्स का यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल स्पीड को ऑप्टेन करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड को ऑप्टेन करने के लिए हम लोग गेयर बॉक्स यूज़ करते हैं। गेयर बॉक्स के मदद से एक गियर को दूसरे गियर से कनेक्ट करते हैं और हमको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मिलता है, ये हम लोग गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे थ्योरी ऑफ मशीन में अच्छे से, फिलहाल यहाँ ध्यान रखिए टू ऑप्टेन वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट है द एज ऑफ द प्लेट ऑफ द सिलेंडर वेसल, द एज ऑफ प्लेट ऑफ सिलेंडर वेसल्स आर यूजुअली बीवेल्ड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, अभी ये हम लोग पहले देखे थे क्लॉकिंग और फुलरिंग देखे थे, तो क्लॉकिंग और फुलरिंग में हम लोग देखे थे कि एज ऑफ द प्लेट ऑफ बॉयलर, बॉयलर का जो एज ऑफ प्लेट का जो एज होता है वो 80 डिग्री से झुका हुआ रहता है, वो ऐसा क्यों रहता है, तो ऐसा इसलिए रहता है ताकि हम क्लॉकिंग या फुलरिंग कर सके, अगर ऐसा नहीं होता तो क्लॉकिंग या फुलरिंग हम लोग नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उसको, जैसे कि आप यह देख सकते हैं क्लॉकिंग में यहाँ पर 80 डिग्री से झुका हुआ है, अगर ये झुका नहीं रहता तो ये टूल को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता, मान लीजिए ये 90 डिग्री रहता, 80 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री रहता, परफेक्ट रहता, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर 90 डिग्री रहता ये, अगर ऐसा रहता तो क्लॉकिंग या फुलरिंग करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस केस में आपका वो दबता नहीं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हल्का सा डिप्रेस होगा और यहाँ पर लीक प्रूफ ज्वाइंट क्रिएट होगा, जो कि बॉयलर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए क्लॉकिंग या फोल्डरिंग करने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एज जो है वो 80 डिग्री से झुका रहे। फोल्डरिंग में भी वही कहानी है, अगर ये 80 डिग्री से झुका नहीं रहता तो ये टूल अप्लाई करके हम इस पोर्शन को थोड़ा सा दबा नहीं सकते थे, थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्लॉकिंग एंड फोल्डरिंग करने के लिए हम लोग एज ऑफ द प्लेट, प्लेट का जो एज होता है इन केस ऑफ बॉयलर में आपका वो 80 डिग्री से झुका रहता है, द एज ऑफ द प्लेट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल आर बीवेल्ड टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री फॉर फोल्डरिंग एंड क्लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द पिस्टन रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज यूजुअली कनेक्टेड टू द क्रॉस हेड बाय द मीन्स ऑफ, क्रॉस हेड में पिस्टन रॉड किससे कनेक्टेड होता है, तो वो क्वार्टर ज्वाइंट से कनेक्ट होता है, जबकि वाल्व रॉड एक्सेंट्रिक रॉड से नकल ज्वाइंट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ये दो बात हम डिस्कस कर चुके थे जब स्टीम इंजन को देखे थे, तो यहाँ पर ध्यान होगा कि क्वार्टर ज्वाइंट से कनेक्टेड होता है, पिस्टन रॉड इज यूजुअली कनेक्टेड विद द क्रॉस हेड, क्रॉस हेड के साथ वो क्वार्टर ज्वाइंट जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप ज्वाइंट वुड बी बेस्ट सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम, पाइप के अंदर स्टीम फ्लो कर रहा है, तो इसमें से हमको कौन सा ज्वाइंट बेस्ट सूटेबल होगा, क्योंकि स्टीम है, स्टीम है दैट मीन गर्म होगा, गर्म होगा दैट मीन थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन के केस में हमको एक्सपेंशन टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेंशन टाइप पाइप ज्वाइंट की डिजाइन में ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, इसलिए उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है पाइप से रिलेटेड, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक्सपेंशन टाइप पाइप का कुछ ज्वाइंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक पाइप को दूसरे पाइप के थ्रू ज्वाइंट करते हैं, तो एक है आपका एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, तो यहाँ पर जब भी स्टीम फ्लो करता है पाइप में तो उस केस में आपका जो पाइप ज्वाइंट होता है वो एक्सपेंशन टाइप होता है, ये ध्यान रखिएगा।